एक पति अपना पत्नी का हाथ से एक कप चाय नहीं पी सकता संडे के दिन। अपना ये ड्रामा बंद करो और चाय बनाओ। अब हम तब तक घर नहीं जाएगा तब तक वो हमको इधर मनाने नहीं आएगा। किसको याद रखो नहीं रखो लेकिन बड़ा डाली को तो याद रखो। कौन पेड़ की डाली के बात कर रहे हो आप लोग? कि हम पहली बार अपना पत्नी का ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। हमको तो सच में लगा कि तुम हमको भूल गया। ये कौन है? ये डॉली कौन है? बाप तुमको बुलाएगा और हम बताएंगे कि ये कौन है। डॉली आज तुम वो टीवी ध्यान से देख रहा है? ओहो भीषण तुम डिस्टर्ब मत करो। ओ आज संडे है हमको तुम चाय पिलाओ। हम तुम्हारा हाथ से ही आज चाय पिएगा। हमारा बहुत मन कर रहा है। ओके 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 तुम थोड़ा वेट कर लो। हम पहले ये देख ले कि साबित्री का सौतन कैसी है फिर हम तुमको चाय पिलाता है। अरे वाह आज तो चमत्कार हो गया। डॉली ने हमारा बात मान लिया वो भी पहला रिक्वेस्ट में। आज तो डॉली के हाथ का बना चाय के साथ पीपल पड़ने का मजा ही कुछ अलग होगा। भीषण ए भीषण चाय बना के लाओ। अभी तो तुम बोला कि तुम अपना हाथ से चाय बना के हमको पिलाएगा। अरे वो इसलिए कि तुम अपना बड़बड़ बंद कर लो और हम देख सके कि सावित्री का सौतन कौन है। क्या हम बड़बड़ कर रहा है और तुम अपना पति से झूठ बोल रहा है? जिसका नाम का तुम अपना मांग में सिंदूर भरता है उससे झूठ बोलता है। अरे जिसका नाम का तुम्हें शाखा पाला पहनता है उससे झूठ बोलता है। और जिसका सीरियल मैं देख रहा हूँ और डायलॉग तुम बोलते हो। ये सीरियल नहीं ये हमारा दिल का आवाज है। दिल का एक पति अपना पत्नी का हाथ से एक कप चाय नहीं पी सकता संडे के दिन। ए भीषण अपना ये ड्रामा बंद करो और चाय बनाओ। ये सब तब चलता जब तुम एक नई नवेली दुल्हन लेके आते और उसके सामने अपना पति होने का रोब जमाते। अच्छा अब हमको चाय पीने के लिए मतलब एक शादी और करना पड़ेगा। अरे डॉली तुम्हारा लिए सौतन लाना पड़ेगा तुम्हारा वो सीरियल का माफिक। अच्छा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हम भी तो देखें तुमसे शादी करेगा कौन। हमें बेवकूफ थे जो तुम्हारे चौकोर में आ गए। दूसरा ऐसा कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। ये वो और मसूर की दाल। अच्छा अच्छा तो तुम हमारा बारे में ऐसा सोचता। अरे डॉली तुम जाओ बाहर जाके देखो इतना लेडीज लोग ना हमारा लोटू है लोटू। एक इशारा किया तो तो क्या तो तुम चाय बनाना अपना सौतन के लिए और इस पति के लिए। इतना भरोसा है खुद पे? जाओ जाओ हमारा सौतन लेके आओ हम भी तो देखे दूसरा कौन इतना बेवकूफ बनता है। अब हम चाय तुम्हारा सौतन के हाथ से ही पिएगा। जाता है इस घर में तब लौटेगा जब हम तुम्हारा सौतन लेके ही आएगा। जाओ जाओ लेके आओ। सौतन ना हुई सब्जी हो गई। बाजार गए और लेके चले आए। आने दो भीषण को लेती हूँ आज उसकी खबर। हमको क्यों पागल समझता है? अरे छोड़ो जी किधर बीच में आ गया हमको जाने दीजिए। दैया रे दैया हम बीच में आए। अरे आप ही खुले सान की तरह यहाँ मतलब कि आप बिना देखे जा रहे थे। आप अभी पहले क्या बोला? भीषण जी कुछ नहीं वो कहे ना ऐसे ही गलती से मुंह से निकल गया। हाँ हाँ सब समझता है। आप औरत लोग के मुंह से कुछ भी ऐसे नहीं निकलता है और हर एक का कोई ना कोई मतलब होता है। वो तो हम औरत लोग को ना कुछ लेट में समझ में आता है। औरत मरद का ही जो बात है ना इको बीच में मत लाइए। एक तो आप बिना देखे चले जा रहे थे और हमको हम देख के नहीं चल रहा था ना हम। और ये आप जो ये बड़ा बड़ा आँख लेके जा रहा था वो रमेश जी को डराने के लिए ये रास्ता देख के जाने के लिए है। देखिए भीषण जी ये तो ना हद हो गई। जब आपके पास आपकी पत्नी डॉली जी है
फैंसी वाले, लगता है मामला कुछ और है, नहीं तो चूहा शेर की दहाड़ मारे हजम नहीं होता है। नहीं हुआ ना आपको हजम, एक मौरत का दहाड़ना, आज ये मौरत दहाड़ेगा और वो सब कुछ करेगा जो उसके मन में आएगा। हाँ। भीषण जी, आपके मन में क्या आ रहा है? हमारा मन में क्या क्या बात आ रहा है वो तुमको बताना जरूरी नहीं है। जाओ जाओ अपना सहेली को जाके बोलो, आज एक मौरत जाग गया है और वो जो घर में बोल के आया ना वो सब करेगा। जाओ जाओ। अरे भीषण जी, भीषण जी, आखिर ये मामला है का? पता लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से सीधे डॉली जी के घर जाते हैं, अब बाकी के सारे काम ना होते रहेंगे। एक डरे हुए पति अपनी रोबदार पत्नी से छुटकारा पाने के लिए ले आया दूसरी औरत, तो ये खबर पड़ता है भीषण, तभी तो मैं सोचूं कि चूहा आज अचानक शेर कैसे बन गया। अरे यही तो हम पूछने के लिए आए हैं। कि क्या? अरे यही कि चूहा, हमारा मतलब है भीषण जी का करने वाले हैं? अरे कुछ नहीं रे, वो टहलने के लिए बाहर गया है, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। तुम्हारे लिए चाय लाऊं? इनको देख के तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। लगता है भीषण ने इसको हमारी झगड़े की बात बता दी है। वो भीषण जी। सरोज तुम पहले बता। हाँ हाँ बताते हैं। कहा है कि जो भीषण जी है ना, हमको बाहर मिले रहे, बहुत ही गुस्से में थे, शेर की तरह एकदम दहाड़ के हमको बोले कि अभी भीषण जी कहा करने वाले हैं? अरे वो क्या करेगा, ये सब करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है, जो उसमें नहीं है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हमको उनका तेवर देख कर ऐसा लगा कि उनमें तो बहुत ही हिम्मत आ गई है, और जो वो कह रहे थे ना वो तो करके ही दिखाएंगे। लेकिन वो कहा करने वाले हैं? मेरे लिए शौतन लाएगा। संडे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और ट्यूसडे को करो, सैटरडे को करो, मेरा मतलब है किसी भी वर्किंग डे में करो, लेकिन छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन अपने पति के मूड का बेड़ा गर्क करना, ना 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 ना। ये एकदम बरोबर बोले साहब आप। अरे संडे के दिन बाबा कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करता क्या? आप लोग तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपको तो हम अपना हमदर्द सोचा था, शेर सिंह जी आप भी। अरे यार बैठ 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 पिछोन, यार तू तो नाराज हो गया, मैं तो ऐसे ही मखौल कर रहा था तेरा मूड ठीक करने के लिए। तू क्या यहाँ खटर पटर कर रही है? तेरा यहाँ का काम खत्म हो गया तो अंदर जा, जाके अपना काम कर। देख आज वो कुलबीर भी घर में नहीं आया, इसलिए ये भीषण और मेरा नाश्ता भी तेरे को ही बनाना है, समझी? समझी साहब समझी। अरे मैं तो फटाफट बात समझती, लेकिन ये डोली मैडम को कोई बात समझाना दियवारे दियवा। ये निराली एकदम सही बोलता है, डॉली, अरे डॉली को समझाना बहुत मुश्किल काम है। यार क्या मुश्किल है,
मर्द का बच्चा है तू, मर्द का बच्चा। अपने अंदर के मर्द को पहचान और एहसास करवा दे उसको कि तू भी कोई चीज है। आप शेर सिंह भाई एकदम ठीक बोला है। हमारा अंदर का मर्द जाग गया है। अब हम तब तक हार नहीं जाएगा जब तक वो हमको इधर मनाने नहीं आएगा। मनाया तभी घर जाएगा, मतलब क्या घर से भाग जाएगा? अरे शेर भागा नहीं करता है शेर सिंह जी। अब ये शेर मतलब हम यही रह के उसका माफीनामा का इंतजार करेगा। ओ ये क्या कर दिया शेर सिंह तूने? ये तो यहीं पर डेरा डालने की सोच रहा है। कुछ कर कुछ कर। शेर भाई अब किस सोच पे पड़ गया? कुछ गंभीर सा लग रहा है, सोच रहा है? ना ना, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि एक छोटी सी बात के लिए मेरे दोस्त का घर उजड़ रहा है। किसका? और तेरा बेवकूफा। घरों में ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, इसके लिए कोई अपना कार थोड़ा छोड़ देता है। अभी शेर सिंह भाई आप ही तो बोला हमको कि मर्द बन। ओए मेरे कहने का मतलब था कि मर्द बन के अपने कार का झगड़ा निपटा। औरत अगर बेवकूफ हो तो मर्द को तो सयाना बनना पड़ता है कि नहीं? चल मेरे फोन से फोन लगा। तो फोन लगा। हम क्यों फोन लगाएगा? क्या वो हमको फोन नहीं कर सकता है? ओए अकल के अंधे, उसको वहां घर बैठे सपना आ रहा है कि तू शेर सिंह के घर पे बैठा हुआ है जो वो यहाँ फोन लगाएगी। तू लगा फटाफट, चल। करता है। ये देखो उसका फोन बंद है। अरे शेर सिंह भाई, अगर किसी को अपना पोती का चिंता होता ना तो वो घर घर में फोन कर करके अपना पोती के बारे में पूछता, क्या हमारा पोती आपके घर में आया है? नहीं, हमारा डॉली को एकदम हमारा चिंता नहीं है। हमको तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे ओए, दूसरा ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका? ठिकाने? अरे इन मर्दों के पास ठिकानों का तो कौनो कमी ही नहीं होता है। और जैसा आज हमने भीषण जी को देखा है ना, ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, मैंने भी नहीं देखा है। और कहीं इसने उस पर काला जादू तो नहीं कर दिया? दया रे दया, आप है ना एक काम कीजिए, उनको ना अभी फोन लगाइए और ना सारी कह दीजिए और घर पे वापस बुला लीजिए बस। हाँ, तुम ठीक कह रहे, हम अभी फोन करते हैं। अरे ये तो बंद है, हम अभी फटाफट चालू करते हैं। हो गया, चल लगाओ लगाओ। अरे ने तो फोन घर पे ही छोड़ के चला गया है। घर पे? दया रे दया, जानबूझ के घर पे छोड़ के गए होंगे ताकि आप उनके साथ में कांटेक्ट ही ना कर सको। अरे बाबा, बात इतना बिगड़ जाएगा, हमने तो सोचा ही नहीं था। देखो इतना गुस्सा नहीं करता है, तुम ना घर चले आओ, हम ना तुम्हारे लिए स्पेशल संदेश और चाय बना के रखा है। भाई शाबाश, संदेश और चाय? पर मैं आपसे नाराज कहा हूँ भाई? तोड़रमन जी, आप? मुझे लगा भीषो ने। भाई शाबाश, तो भीषो ने आपसे नाराज हो के गया है? हाँ ऐसा ही कुछ समझिए, बस जरा सी बातें रूठ के चला गया है। अरे भाई झूलेलाल सब भली करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी वॉचमैन नोमी से जाके पूछता हूँ कहीं वो सोसाइटी के बाहर तो नहीं गया। सोसाइटी से बाहर? ओड़ी बाबा। देखो भाई ये नाराज आदमी का कोई भरोसा नहीं रहता ना, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं और ओमी उसको ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ? भीषण सोसाइटी से बाहर चला गया है। दया रे दया। अरे भैया, हमार नई कविता के थोड़ी दुई लाइन तो सुन लियो। जिंदगी है लंबी, जिंदगी है लंबी, दोस्त बनाए चलो। किसको याद रखो नहीं रखो, लेकिन बड़ा डाली को तो याद रखो। बहुत परेशान है डोली मैडम। अरे भैया, डाली कौन पेड़ की डाली के बात कर रहे हो आप लोग?
जिंदगी है लंबी, जिंदगी है लंबी, दोस्त बनाए चलो। वाह वाह, उनहन के साथ दिल मिले ना मिले, लेकिन उनहन के साथ हाथ मिलाए चलो। वाह 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 वाह, क्या बात। ताजमहल बनाए तो बहुत महंगा पड़ी, ताजमहल बनाए तो बहुत महंगा पड़ी। सुना, एक काम करो तुम। क्या? हर गली में एक मुमताज बनाए चलो। वाह 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 वही वाह, जीत लियो महफिल। सचमा तुमका हमार कविता पसंद आई? हाँ हाँ, इसी बात पे एक चाय और लीजिए। अरे भैया बस करो, तुम लोग ये हमका चाय पिलाए पिलाए के हमारी उदार खाता बढ़ाए जा रहे हो। चलो कौनो बात नहीं, पी ले। फिर क्या, चाय की बात पे बात बढ़ गई और भीषण साहब जो है ना घर छोड़ के चले गए। हाँ हाय हाय, अब डोली का क्या होगा? अरे का होगा, पछता रही है बेचारी। वो काहे कि वो जो भीषण जी है ना, वो भी कहाँ चले गए पता नहीं। सरोज मैडम, आप भी मौके वारदात पे थी क्या? है? एक मिनट, लेकिन तेरे को कैसे पता कि भीषण जी कहीं चले गए हैं? दैया रे दैया, हमरा छोड़िए, इसको कैसे पता? अरे इसको तो इसलिए पता है कि वो शेर सिंह भाई के घर पे गई थी ना, वहाँ भीषण जी उससे टकरा गए। लेकिन तू बता, तेरे को कैसे पता चला? हमको ऐसे पता है कि हम जो है ना दारू वाला अन्ना जी है ना, उनके पास जा रहे थे, रास्ते में भीषण जी हमसे टकरा गए। बस फिर क्या था, हम वहाँ से सीधे डोली जी के घर पहुँच गए और वहाँ जाके हमको पता चला कि भीषण जी जो है ना डोली जी का सौतन लेकर आने वाले हैं। हे कांजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? डोली की सौतन? लेकिन मैं एक बात बताऊं सरोज, ये भीषण जी की नीयत ना मेरे को पहले से अच्छी नहीं लग रही थी। देखो ऐसे वो कविता को कैसे घूर घूर के देखते रहते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम भी दो तीन बार देखे रहे। हाँ, मैं भी देखी। हाँ, तूने तो देखा ही होगा। वैसे तू काम किधर करती है, हर जगह पे ऐसे देखती तो रहती है ताक ताक के। अबे जाने, बैठ के काम कर, जा काम कर। अरे मैडम, मेरे पे बरस के क्या होगा? हाँ? अरे जाके उस पे बरसो जिसने डोली मैडम का दिल तोड़ा। अरे जितनी देर बैठ के हम लोग इधर बात कर रहे ना, वो शेर सिंह साहब के घर से निकल के दूसरे ठिकाने पहुंच भी गए होंगे। हाँ ले आए हो तुम हमारे खातिर पान। अरे धन्यवाद भैया, जीते रहो फूलते फूलो। रुको 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 रुको। हाँ भैया, तो अब आप लोगों के हम अपनी एक नई कविता की एक लाइन सुना रहे हैं। अरे मुरा, अपन नया कविता सुनो, पहली लाइन। अरे इसको गटुक तो देखो, मुलमट तो देखो। अरे वो छोड़ो, भाषा देखो कैसी बोल रहा है। आई जब मिस सुजाता हमारे कमरा में। साहब जी सब कुछ यही देखोगे, वहाँ चल के देखो। हाँ चलो 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 चलो, चलो। रुकना, हम आते हैं। हाँ रुकना भाई साहब। आई मिस सुजाता, आई मिस सुजाता हमारे कमरे में। वाह 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 वाह, आई है मिस सुजाता हमारे कमरे में। आगे आगे। भूल गई छाता हमारे कमरे में। वाह 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 वाह। अरे अरे, आप हम तशरीफ रखिए। तशरीफ तो हम रख लेते, पर तुम्हारा ये रंग हमने पहले कभी नहीं देखा। मुन्ने भी नहीं देखे साहब जी ऐसा रंग। तो आप हमारे परिचित हो का? अच्छा है अच्छा है, मेरे को लगा मजाक सिर्फ टोटर माली करता है, ये भी मजाक कर लेता है। कर लेता नहीं, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। अरे भैया, न जाने कितने कितने लोग हमारे साइजी के प्यासे हैं, हम केका केका याद रखब। अरे किसको याद रखो नहीं रखो, लेकिन बड़ा डाली को तो याद रखो। हाँ साहब जी, डोली मैडम ना बहुत परेशान, बहुत परेशान है डोली मैडम। अरे भैया, डाली कौन पेड़ की डाली के बात कर रहे हो आप लोग? ओमी, लगता है इसका कोई और इलाज करना पड़ेगा। एक मिनट, उठो 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 उठो, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारे को एक बात बतानी है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप लोग चालू रखो। कहना लुगाई से लड़के आए हैं, दिमाग का पेज ढीला हो गया। सुनना ना, आप चालू रखो। है अभी मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से शायरी सुना रहा है। ले जाइए भैया से ले जाइए। ठीक है चलो, ओके।
इधर आओ। यार मैं क्या बोलता हूँ, आजकल तुम शायरी बहुत अच्छा बोलता है, इतना अच्छा बोलता है मेरे को पसंद आया। अभी मैं तुम्हारे को दूसरी जगह लेके जाता हूँ। अरे भैया लेकिन जगह तो बताओ, कहाँ पे कविता ऐसा पाठ करेगा है। अरे चलो चलो बताते बताते चलो, चलो, चलो। इसका एक्टिंग का भूत सवार नहीं, अभी उतरा नहीं। उतरा नहीं है वो देखो क्या है। बहुत भूख भी लग गया है, क्या करूं, घर वापिस जाऊं? नहीं 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 नहीं, आप कौन हैं भाभी जी? अरे डाली जी बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं इसको, ये तो मेरे को पहचान ही नहीं रहा था। क्या करूं, घर वापिस जाऊं? नहीं 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 नहीं, घर गया तो वो डॉली समझेगा, हमेशा की तरह हमारा ही गलती है, और फिर एक मरद छुप जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार तो हम मरद का बच्चा बांध के दिखाएगा। अरे मैडम जी बहुत बुरा हुआ। पूरी बाबा क्या बुरा हुआ मेरे साथ, ये क्या बोल रही है तू? अरे मैडम आपके साथ नहीं, अरे वो बाजू वाली बिल्डिंग में सविता मैडम रहती ना उनके साथ। क्यों क्या हुआ? अरे उसके मर्द का किसी और के साथ अफेयर हो गया और एक दिन अपनी वाइफ के साथ जानबूझ के झगड़ा किया और बोला तेरे से अच्छी लाके दिखाऊंगा मैं। हाँ लेके आया? नहीं नहीं। हाँ हाँ मैडम वो दूसरी लुगाई लेके आया। हाँ मेरा भी सोने ऐसा नहीं कर सकता, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा अपने डॉली के पास। अरे आएगा नहीं, आ गया है डॉली जी, ये देखो तुम्हारा भीषण। कहाँ है भीषण? देखो ये बोरी के भीतर। आप कौन हैं भाभी जी? अरे डाली जी बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं इसको, ये तो मेरे को पहचान ही नहीं रहा था। बोले आप कौन, मैं तो तुमको जानता नहीं, कौन डोली? ऐसा कहा भीषण ने? ए भीषण, ए भीषण आप कौन हैं भाभी जी? ठीक है लेकिन भाभी जी आप हमका कुछ समझदार लग रही हो, कृपा करो ना हमका बतावा कि हम यहाँ कहाँ आ गए। अरे निकले थे तो एक कविता के चक्कर में। अरे पति तो सारे बेचारे ही होते हैं, कोई नई बात बोलना। नई बात तो यही है ना कि हम अपना पोतनी से झगड़ा कर लिया है। हमको तो सच में लगा कि तुम हमको भूल गया। ये कौन है, ये डॉली कौन है? बाप तुमको बुलाएगा और हम बताएगा कि ये कौन है। दुनिया कविता तो ना आपकी है जो मन एक्टिंग करके बेवकूफ बना रही है। चलो 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 मत आओ। अरे चेहरा तो हम तो हर मालकिन को ही दिखाएंगे, पहले चल के मिलवा तो दो। अच्छा